भारत के खिलाफ नारेबाजी लगे तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मंदिरों पर हमला हो तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। भारतीय तिरंगे का अपमान हो तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत के टुकड़े करने की साजिश उनकी सरजमी पर रची जाए तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। कनाडा वो मुल्क जो खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच की मूरत बताता है। ट्रूडो अगर 5 लाइन का भाषण देते हैं तो 5 बार फ्रीडम ऑफ स्पीच शब्द बोलना नहीं भूलते, मगर ट्रूडो के फ्रीडम ऑफ स्पीच की परिभाषा थोड़ी अलग है। भारत के खिलाफ नारेबाजी लगे तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मंदिरों पर हमला हो तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। भारतीय तिरंगे का अपमान हो तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत के टुकड़े करने की साजिश उनकी सरजमी पर रची जाए तो ट्रूडो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन कनाडा की सड़कों पर जश्न मनाया जाए और हत्यारों को शूरवीर योद्धा बताया जाए तो ट्रूडो कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। हिंदुओं को पीटा जाए तो ट्रूडो कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। कनाडा की सरजमी पर भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ खिलवाड़ की जाए तो ट्रूडो कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर एक विदेशी मीडिया को बैन कर देना ट्रूडो के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना नहीं है। किसी देश के प्रधानमंत्री इतनी छोटी हरकत में उतारू हो सकता है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। शायद ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले समझ गए थे, ये तभी ट्रूडो को वामपंथी पागल करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में सीमा पार करने वाले ड्राइवरों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले मामले को लेकर ट्रूडो को एक दूर वामपंथी पागल करार दिया था। जून 2018 में ट्रंप ने क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन से बाहर उठकर चले गए, तब उन्होंने ट्रूडो को बहुत बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। ट्रूडो को भारत ने इतनी नफरत है कि कनाडा ने एक ऑस्ट्रेलिया मीडिया संस्थान में ऑस्ट्रेलिया ट्रूडो के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। यह कार्रवाई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया में उनकी समकक्ष पेनी वेंग को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे के बाद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बैन कर दिया। कनाडा सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे को ब्लॉक बैन करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि कनाडा में एक महत्वपूर्ण प्रवासी आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल पेज को ब्लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। यह इस विशेष हैंडल से पेनी वेंग के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित करने के ठीक कुछ घंटे के बाद हुआ। इस कार्रवाई को लेकर हमें आश्चर्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल आगे कहा कि कनाडा के इस कदम को लेकर हमें अजीब लग रहा है, ये एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करता है। विदेश मंत्री ने अपने मीडिया कार्यक्रमों में 3 चीजों के बारे में बात की। पहला, कनाडा की ओर से बिना किसी विशेष सबूत के आरोप लगाना। दूसरा, कनाडा में भारतीय राजनयिकों की अस्वीकार निगरानी करना। तीसरा, कनाडा में भारत विरोधी तथ्यों को राजनीतिक में स्थान दिया जाना। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टुडे चैनल को कनाडा द्वारा क्यों बैन किया गया। यह घटना भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा रही है। भारत ने बार बार कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और भावनाओं पर लगाम लगाने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चटगांव की आगजनी की घटना पर भी रिएक्ट किया। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के भी आग्रह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। यह घटना ब्रॉम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमले के वीडियो के सामने आने के बाद हुई थी, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो ने निंदा भी की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें पता चला है कि इस खास मीडिया संस्थान, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज है, उसके सोशल मीडिया हैंडल और पेज ब्लॉक कर दिए गए। कनाडा के लोग इन्हें नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वेंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही किया गया। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि ये कार्रवाइयां एक बार फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के दोहरेपन को उजागर करती हैं।
इसी बीच ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री बनी वेंग ने कनाडा के उन आरोपों का मुद्दा उठाया था जिनमें भारतीय राजनयिकों पर सिख नेताओं के खिलाफ हिंसक हमला शामिल होने का आरोप लगाया गया था। वोंग ने जयशंकर के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने जांच के दायरे में आरोपों पर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी। हमने कहा कि हम कनाडा की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी करते हैं। अब ट्रूडो का एक और चेहरा देखिए। जब चौतरफा दबाव पड़ा तो ट्रूडो ने खालिस्तान पर बयान भी दिया। ट्रूडो ने पहली बार खालिस्तान अलगाववादियों को लेकर कहा कि वो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने कनाडा की संसद में दिवाली और सिखों के उत्सव के तौर पर मनाए जाने वाले बंदी छोड़ दिवस पर आयोजन कार्यक्रम में ये बात कही। दिवाली का कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री अनीता आनंद और गैरी आनंद सारंगी ने किया था। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने जस्टिन ट्रूडो के बयान का वीडियो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ में साझा किया था। इसमें उन्हें खालिस्तानियों पर बात करते हुए सुना जा सकता था। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा में खालिस्तान का समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन ये पूरा सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कनाडा के ही ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले के बाद जस्टिन ट्रूडो का यह पहला बयान आया था। ट्रूडो ने कहा कि यहाँ किसी भी तरह की हिंसा विभाजन किसी भी तरह की जगह इन सबको नहीं दिया जाएगा। यहाँ रहने वाले सिख ऐसे लोग नहीं हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, वो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब ये देखिए, ये कनाडा का दूसरा चेहरा था जब पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा। जब ब्रैम्पटन हिंदू मंदिर में वो तस्वीरें वो फोटोज पूरी दुनिया में वायरल हुई तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये बयान देते हैं, वो भी एक सभा में, ना तो मीडिया के सामने ना तो किसी भी ऐसे प्रेस को इंटरव्यू में कहा हो कि ताकि पूरी दुनिया को पता चले। लेकिन उनकी एक वीडियो क्लिप जो है वो बाहर आती जिससे पता चलता है खालिस्तानियों पर वो बात कर रहे हैं। अब सफाई क्या दे रहे हैं कि खालिस्तानी जो है वो पूरे सिख समुदाय नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। भारत में पंजाब एक ऐसा प्रांत जिसकी शूरवीरता की गाथाएं बच्चे भी पढ़ते हैं और जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे अनगिनत ऐसे सिखों ने कुर्बानियां दे दी हिंदुस्तान की आजादी से लेकर, और आज भी हिंदुस्तानी सेना में डटकर खड़े हैं सरहदों पर। तो क्या ट्रूडो हमको ये समझा रहे हैं या ट्रूडो क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो हम भी जानते हैं कि सिख समुदाय खालिस्तानी नहीं है, वो एक वर्ग है, वो एक तबका है जो कि अलग खालिस्तान की मांग 40 से 50 दशकों से करता चला आ रहा है। लेकिन आपकी सरजमी की, आपके कनाडा से और आपके देश से ऐसी आवाजें बुलंद होती हैं और भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। वहां से बैठकर भारतीय झंडे का अपमान किया जाता है, वहां पर बैठकर इंदिरा गांधी के हत्यारों को गुणगान किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, एम्बेसीज में वहां पर हमले किए जाते हैं, मंदिर में टारगेट किया जाता है, लोग वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और आप जो है ये बातें करते हैं। तो ट्रूडो की ये जो मानसिकता है वो पूरी तरह से उजागर हो गई है। दरअसल वो चाहते क्या है, इसके पीछे उनका इंटरेस्ट क्या है? इसके पीछे उनका इंटरेस्ट है राजनीति और वापस से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए उनको खालिस्तानियों का समर्थन चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है जिसको हर कोई समझ रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा तो बार बार कहा गया कि ये अपने निजी हित के लिए दो देशों के बीच में ऐसी कार्रवाई, ऐसी इस तरह से बयानबाजी और इस तरह की हरकत करने में ट्रूडो कर रहे हैं। ये शायद किसी भी बड़े मुल्क के या किसी भी मुल्क के नेता के लिए अशोभनीय है कि आप निजी हित को लेकर किसी दो देशों के बीच में ऐसी आग लगा दें कि आप तो उस आग से बच के निकल जाएं लेकिन जो दो देशों के लोग हैं वो उससे पीड़ित हो जाएं। भारत से तमाम संख्या में लोग कनाडा में रहते हैं, कनाडा से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हिंदुस्तान आते हैं, दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते हैं। लेकिन जब से हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद से ही दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया और ट्रूडो उसमें घी का डालने काम करते रहे, जबकि एक घर के मुखिया का काम हमेशा लड़ाइयों को शांत करने का है। लेकिन कनाडा के अगर उन घी डाल देंगे तो फिर उनको वोट कहां से मिलेगा जस्टिन ट्रूडो को, ये सवाल है। इसलिए आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अगर कनाडा ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि एक आउटलेट को आपने सीधे सीधे पूरे कनाडा से बैन करके ये साबित कर दिया कि सच आपको पसंद नहीं है ट्रूडो जी।